ठीक है, इसको शॉर्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। कुछ छोटे छोटे क्लिप पे हम लोग काम करने वाले हैं कि अपने हाथ में लेके एक शॉर्ट है, शॉर्ट को लाइक किस टाइप से अटैक करने वाले हो, तो ऐसा कुछ वीडियोस हमने निकाला है। ठीक है, रेफरेंस में जैसे गेमिंग के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने करेक्टर के साथ। जैसे कोई हमारा करेक्टर है, ठीक है, अभी करेक्टर के पास मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट है, इस शॉर्ट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। मैंने एड्रेस कॉपी किया यहाँ पे, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फाइल में गए एंड इम्पोर्ट, कंट्रोल वी कर दिया, एंटर। यहाँ पे आपको मिलेगा शॉर्ट। ठीक है, तो शॉर्ट का आप यहाँ पे लाइक ओबीजे लेना चाहो ओबीजे लो, माई फाइल लेना चाहो माई फाइल लो, कोई भी ले लो। ये देखो शॉर्ट आपके पास यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, डब्लू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इन चीज़ को मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं चाहिए तो उसमें रोटेशन दिया यहाँ पे। ठीक है, रोटेशन पे मैंने यहाँ पे दिया रोटेशन 90 कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी फर्स्ट वाल मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरे पास जो एनिमेशन मुझे देना है वो शॉर्ट मेरे पास किस टाइप से है। ऐसे करा था मैंने यहाँ पे, क्या किया इसको ऐसे इस टाइप से मैंने यहाँ पे लाइक -90 करके देखा यहाँ पे। तो ऐसा कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, फ्रंट में गए और इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अभी क्या करना है, सबसे पहले पोजिशन क्या करते हैं यहाँ पे, पोजिशन को हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने सेट किया इसको नॉर्मल पोज पे। नॉर्मल पोज में क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने कर दिया लाइक 35 करके देखें यहाँ पे, 35 तक। ठीक है, दिस लुक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे इसको मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे, तो -35 काम कर जाएगा। फिर नॉर्मल पोजेस तो आपको आइडिया मिल गया आपको यहाँ पे। हाथ है, हाथ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने प्रॉप्स को दो स्केल भी करना है। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, डी वी मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, आर फोर स्केल, ये स्केल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ताकि पकड़ने के लिए थोड़ा सा बढ़ रहे। ओके, ऐसा कुछ किया मैंने। अभी यहाँ पे मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा, और लेफ्ट में गए यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा मैनेज किया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले मैं करता हूँ क्रिएट पे गए। क्रिएट में यहाँ पास होता है, हमारे पास एक लोकेटर मिलता है हमें यहाँ पे, लोकेटर लोकेटर लिया मैंने यहाँ पे। लोकेटर को लो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे लोकेटर दिख नहीं रहा, अगर आप देखो कहीं शो में मैंने ऑफ तो नहीं कर रखा है अभी, तो शो में लोकेटर कहीं आपको दिखेगा। ठीक है, ढूंढे यहाँ पे कहाँ है लोकेटर हमारे यहाँ पे, लोकेटर तो मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे। लोकेटर को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके साथ कनेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, ये इसके साथ मैंने कनेक्ट किया इसको और इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ऑल टच फ्रंट पे गए, ये देखो लोकेटर मुझे यहाँ से यहाँ पे चाहिए। ठीक है, और लेफ्ट में गए, यहाँ देखो। ठीक है, फ्रंट पे गए, फोर प्रेस किया हमने यहाँ पे। कोशिश करो यहाँ पे इसको ऐसे करके ऐसे मैनेज कर दें यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बस क्या चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, कैसे मैनेज करूँगा देखो। यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसका तो मैं पी प्रेस कर रहा हूँ पेरेंट, इसको सिलेक्ट करते हैं देखो यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करूँ तो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्शन कैसे देना है कि ये इसके हाथ में मैनेज करो, तो मैंने अंडू किया यहाँ पे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें देखो, ये सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये सिलेक्ट करके आना है। ठीक है, फ्रंट में गए, फोर प्रेस करके एक बार देखना है पे, अंडू में स्टेप यहाँ पे। अब मैंने इसको पहले सेलेक्ट किया, अभी मेरे पास पेरेंट और चाइल्ड का यहाँ पे प्रोसेस होता है। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पी प्रेस करो तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये पेरेंटिंग हमने यहाँ पे दिया। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या काम करना है, कंट्रोल शिफ्ट नेक्स्ट यहाँ पे देखा हमने यहाँ पे। अभी इसके साथ मुझे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, देखना इसकी मैं बस इसको और इसके साथ मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी देने वाला हूँ, तो मैं कैसे दे पाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको इसके साथ मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पोजेस बना लेता हूँ। पोजेस बनाने में जैसे देखना, अभी ये पार्ट, ये दूसरा पार्ट, यहाँ पे तीसरा पार्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या क्या रोटेशन दिया, रोटेशन मैंने ऐसे कुछ टर्न किया यहाँ पे, देखो टर्न देखना अभी, ये टर्न कुछ ऐसा। ठीक है, इसके बाद मैंने ये छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट ऐसे करके मैनुअल भी थोड़ा सा डील करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पोजेस को यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे। अभी इसका मुझे यहाँ पे पता चला, अगर ऐसा कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ लोकेटर को सेलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये ग्रिप में ऐसे देना है यहाँ पे, ताकि ये चीज़ यहाँ पे दिखे यहाँ पे। ठीक है, अब ये पार्ट में बस ऐसा है। ठीक है, मैं इस पर ऐसा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, या तो आप इसको थोड़ा सा इधर से भी आप मैनेज कर सकते हैं। देखना अभी ये कहाँ गया, तो थोड़ा सा पोजिशन आप यहाँ पे दोगे कि भाई मेरे पास पोजिशन ऐसा कुछ दिखने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, चीज़ों को थोड़ा सा मैं वन बाई वन करके मैंने मैनेज कर देते सेट किया यहाँ पे। इसको सेलेक्ट करो एंड देन इसको सेलेक्ट करो, ये दोनों चीज़ आपका ध्यान देना है क्या। ठीक है, रिगिंग में जाता है आप, रिगिंग आपके यहाँ पे ऐसा तो इसमें दिख जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट में, रिगिंग एंड कांस्टेंट दोनों में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसका चीज़ों को पेरेंटिंग करना है कि मैं कैसे मैं पेरेंट कर सकता हूँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें भी हैं, तो मैं पेरेंट करके देखो यहाँ पर ये किया मैंने, यहाँ पर एडिट में गए और रिसेट करके देखा यहाँ पर, तो ये एक बार क्रॉस चेक करो कि भाई ये काम करता है कि नहीं करता। तो मैंने एक बार जस्ट अप्लाई ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, हुआ नहीं हुआ चलो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी हैंड को यहाँ पे मैंने अप करके देखा यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस पता चल गया भाई ऐसा कुछ काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, ज़ीरो और मैंने 35 कर दिया यहाँ पर, तो वापस यहाँ पे आ गया। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना, ये मैंने करेक्टर को इसके साथ मैंने मैनेज कर दिया, तो फर्स्ट आपका प्रॉप्स इसमें ऐड ऑन कर दिया। अभी व्हाट नेक्स्ट, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अपने जो वीडियोस या इमेज सीक्वेंस को मुझे यहाँ पे जो देखना है इसको मैं यहाँ पे लेके आना हूँ। तो मैं पहले पोजेस पे आता हूँ, यहाँ पे पोजेस मुझे कैसे बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो पोजेस के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डील करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट व्यू में गए, इमेज प्लेन इम्पोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट, आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी किया, कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे एंड कंट्रोल वी कर दिया, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, किया हमने इमेज इंपोर्ट में ना, इंपोर्ट ही किया, लेकिन ये देखें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो शायद मैंने ऑफ का कोई ऑप्शन तो नहीं किया, देखो इमेज प्लेन यहाँ पे, फिर आई में आकर ढूंढेंगे इमेज प्लेन, यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये इमेज प्लेन में बस ऐसा दिख रहा है। तो मैं अभी तो ऐसा चीज़ों को मैं ऐसा कुछ मैनेज करने वाला हूँ, क्लिक किया यहाँ पे कंट्रोल ए। ठीक है, इमेज प्लेन आपको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे यूज इमेज सीक्वेंस। ठीक है, तो ये शायद आपको एनिमेट करते हुए दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे और देन यहाँ तक। ठीक है, तो मैं कहूँ मैक्सिमम जो एनिमेशन जो मुझे दिख रहा है यहाँ से, ये स्टार्टिंग यहाँ पे हुआ और स्टार्टिंग के साथ यहाँ से यहाँ तक गया यहाँ पे। ठीक है, और नॉर्मल पोज पे मैं मैक्सिमम 50 फ्रेम तक मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। तो व्हाट आई वांट, सबसे पहला पार्ट जो हमने इमेज प्लेन लिया, इसको हम लोग तो ऐसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइज़ है, साइज़ को स्केल करो, यहाँ पे स्केल हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्केलिंग है, ऑफसेट, ऑफसेट के साथ यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, हल्का था मैंने इधर और इधर पोजिशन दिया, मुझे यहाँ पे काम करना है। तो मैं अपने मॉडल को यहाँ पे पोजिस देता हूँ पे, भाई मुझे अगर ऐसा कुछ पोजिस पे काम करना है तो मैं कैसे काम करने वाला हूँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्रॉस चेक करो, ये कुछ ऐसा कुछ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो ये पार्ट में ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे साइड में। ठीक है, यहाँ पे देखो ये किधर से एंगल देना है, देखो ये एंगल देखना है, ये इधर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। और देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ पे, एक चीज़ और ध्यान देना, ये जीरो फ्रेम पे ही करना है आपके यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये मैं एंगल ऐसे दे पा रहा हूँ पे। ये चीज़ आपको देखना है कि भाई सीयू को कैसे मैच कर पा रहा है आप यहाँ पे। पहले पाँव पे आपको फोकस करना है यहाँ पे, वेट शिफ्ट है क्या इधर, तो वेट को देखो यहाँ पे, वेट को शिफ्ट करके देखें यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, भाई मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पॉट कैसे देख रहा, देखो सेम चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर दूसरा पार्ट मैंने यहाँ से सेट किया। ठीक है, तो कैसे मैं मैनेज कर रहा पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने हल्का सा रोटेशन दिया यहाँ पे। ओके, ये रोटेशन दिया, इसके बाद मुझे यहाँ पे इसका पार्ट भी इसको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, पोजेस है। ठीक है, ये पार्ट आपको शायद थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, इधर देखिए यहाँ पे पोजिशन आप दिखा सकते हैं अभी, देखो ये पार्ट में ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस लेके मैं थोड़ा सा मैं काम करने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे ये। ठीक है, और फिंगर के साथ भी यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ों को आपके यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लिटिल बिट आपने यहाँ पे कुछ किया यहाँ पे। ठीक है, और मज़ा आता है लगा चीज़ों को अगर थोड़ा सा डील करो पैसे कुछ करके, तो कुछ अपनी क्रिएटिव के साथ भी डील कर सकते हो आपने ऐसा कुछ काम किया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने दिखाया, ठीक है, अपार्टमेंट्स ऐसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिटिल बिट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा इसे टर्न दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पर। तो ये पोजिशन मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा पोज मुझे दिखाने वाला है कि भाई ऐसा कुछ पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेट किया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे कुछ दे सकता हूँ,
इसके आसपास भी लेके चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ का ऐसे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये दो एंगल देखना पीछे वाला, इसको आप देखा दिखा सकते हैं पे, तो ये पार्ट ऐसे करके। ठीक है, एक बेसिक सा पोज बना दिया हमने, देख लिया कि कैसे हम लोग किसी भी प्रॉप्स को अपने कैरेक्टर के साथ कैसे अटैच करते हैं। ओके।